जिगीशा घोष मर्डर केस में आज दोषियों की सजा का ऐलान हो गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने केस में फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को फांसी जबकि एक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अमित शुक्ला को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी और 1,00,000 रुपए जबकि रवि कपूर को फांसी और 20,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं दोषी बलजीत को उम्र कैद की सजा दी गई है और 3,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि 28 वर्षीय जिगीशा एक प्रबंधन कंसल्टेंसी फर्म में ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक 18 मार्च 2009 को उनके कार्यालय के कैब ने उन्हें सुबह करीब 4 बजे दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में उनके घर के पास छोड़ा, जिसके बाद उनका अपहरण हो गया। इसके 3 दिन बाद ही हरियाणा के सूरजकुंड के पास जिगीशा का शव बरामद किया गया था। आज 7 साल बाद जिगीशा को इंसाफ मिल गया है। जिगीशा के गुनहगारों को सजा मिल गई है। मृतका के परिजनों ने भी कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई है।